और सहारी नमग अभद मंगलो अभद प्रभु मुनि जी वचन बिन बिचारे ना मांगो। पहले सोच विचार कर लो, गाँव बनवाए दे मंदिर साला जा में बैठ जपो तुम माला, इन बच्चों का क्या करोगे। विश्वामित्र कहने लगे अगर देना नहीं चाह रहे हो मना कर दो, मैं तो लौट जाऊंगा। बोले नहीं महाराज, रब कुल रीत सदा चली आई, ओ प्राण जाए पर वचन ना। महाराज मेरे दादा पर दादा से एक ही रीत चली आ रही है, चाहे मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मुंह की कहीं बात ना जाए। प्रभु आप मुझसे वादा करो जैसे लिए जा रहे हो वैसे ही लौटार दोगे। बोले हम तुमसे वादा कर रहे हैं जैसे लिए जा रहे हो वैसे ही लौटार देंगे। अब विश्वामित्र लेकर के चले ताड़िका वन में पहुंचे, देखा ताड़िका राक्षसी खड़ी है हंस रही है। ताड़िका सोच रही है आज तो घर बैठे ही मुझे भोजन मिल गया, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मण ने देखा बड़े बड़े नाखून सूफ जैसे कान हिला रही, देला जैसी आंखें चमक रही। लक्ष्मण बोले भैया ताड़िका को मार दो। श्री राम कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण बोले मैं जान गया हूँ तुम क्यों नहीं मार रहे हो, आगे से नंबर लगे तो गुरुजी को, पीछे से नंबर लगे तो हमारो, मारो तो मारो ना तो हमें बीच में कर लो। विश्वामित्र ने ये बात सुनी तो विश्वामित्र बोले कौशक ने कही बेटा राघव ताड़िका विपिन में आई है, तुम इधर बढ़ो उधर बड़े पापनी को मार दो। श्री राम बोले गुरुजी मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, जो लोग औरतों को ऊपर हाथ उठाते हैं मंगल भैया वो बहुत बड़े कायर होते हैं और मैं कायर थोड़ा हूँ। वैसा में समझाने लगे देखो जब कोई औरत मानवों को खाने लगे तो औरत औरत नहीं वो डाइन बन जाती है, तो मारने इसको मार दो। तो उसी समय श्री राम ने ताड़िका का वध किया, रात्रि में वहीं पे विश्राम किया। सुबह हुआ श्री राम बोले गुरु जी यज्ञ करिए, यज्ञ होने लगा। ओम भोजन नम भूतम कभी जम्मू फल चार भक्त नमोतम शोध विनाश कार्यक्रम नमाम स्वाहा ओम खंड भंड कार्यम व्याप्तराशरम तत्म तरम तस्मे श्री गुरु स्वाहा सुहा सुहा की आवाज सुनकर सुभा और मामा मारी निकल पड़े। तो उन्हें देख करके श्री राम पहले तो डर गए कि सुहा सुहा की धुन सुनकर और सब राक्षस Yeah.
में रामचंद्र अपने मन में घबराए।